नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए एक और नई वीडियो अबाउट द 2024 MG ग्लॉसर ब्रैक स्टॉर्म एडिशन। यार ये पर्सनली गाड़ी मुझे क्यों अच्छी लगती है, इसमें इतने सारे जो फीचर्स हैं एवरीथिंग मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। एक क्विक वॉक अराउंड लूंगा, बताऊंगा कि ये कौन सा मॉडल है, कितनी ऑन रोड पड़ेगी, कहां से आप ले सकते हो एंड एवरीथिंग। सो अगर आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, हम सारे फीचर्स कवर कर देंगे, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन बता देंगे जो आपको जरूरत है जानने की अगर आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो। और ऑफ कोर्स अगर चैनल में नए हो तो प्लीज ज्वाइन द फैमिली, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, कमेंट छोड़ना मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी बोलूंगा गाइज, बट एनीवेज चलो शुरू करते हैं इसके चाबी से। तो यहाँ पे हमें लॉक अनलॉक टेल गेट खोलने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। सिंपल सी चाबी है, हल्की सी है बट क्रोम का फिनिश किया गया है, बाकी सब चाबियों के मुकाबले थोड़ी सी स्टैंडर्ड तो डेफिनेटली है। आइए नज़र डालते हैं इसके जो फ्रंट फेशिया है उस पर। नज़र डालें इसकी अगर हेडलाइट पे तो यहाँ पर हमें ये ब्यूटीफुल सी LED DRLs जो है वो देखने को मिल जाती हैं, और LED में हमें प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प्स जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें हेलोजन में इसका फॉग लैम्प जो है वो देखने को भी मिल जाता है। मूविंग ऑन विथ द फ्रंट फेशिया गाइस, अगर हम बात करें कि एक 7-सीटर कार का इतना स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस इस गाड़ी का बिल्कुल निकल के आता है, स्पेशली जब साइड से कोई दूसरी गाड़ी निकलती है ना, ये वाली गाड़ी लगता है कि कोई जहाज, एक शिप आपके पास से निकली है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अग्री करते हो कि नहीं ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। चलो यहाँ पे बड़ी सी जो ग्रिल है वो हमें देखने को मिल जाती है, जो पियानो ब्लैक में हमें फिनिश आ जाती है। MG की बड़ी सी बैजिंग जो है यही है, और यही इसका ADAS का जो रेडार जो है वो भी यही है। फ्रंट कैमरा का सेटअप यहाँ पर किया गया है। अप्रोच एंगल की बात करें गाइस, बड़ा सा अप्रोच एंगल है, कार को बहुत स्टर्डी लुक जो है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कुछ एयर कर्टन्स जो है वो भी फंक्शनल है जो यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, विच इज़ ग्रेट। बोनट की बात करें गाइस तो ये यहाँ पर ये कट जो यहाँ पर देता है इस कार को अच्छा एरोडायनेमिक्स प्रोवाइड करता है, क्रॉस कट कुछ नहीं करते हैं यार ये। एरो ट्विन वाइपर्स जो है वो स्टैंडर्ड सब मॉडल में आपको देखने को मिल जाती है। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि इसका जो ऑन रोड प्राइस जो है वो कितना है, एक्स शोरूम कितना है, सो बने रहना वीडियो में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसका जो ADAS का जो फंक्शन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, उसके सेंसर्स जो नॉर्मल हर गाड़ियों में वही होते हैं जिनमें ADAS होता है। चलो चलते हैं अब इसके साइड प्रोफाइल पर। सबसे पहले यार साइड प्रोफाइल में जाने के लिए मेरे को बहुत दूर आना पड़ेगा, बहुत लंबी गाड़ी है गाइस। जबकि स्क्रीन के सामने में मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस जो है वो डेफिनेटली दे दे रहा हूँ, बट 19 इंच के ये एलॉय व्हील्स जो हैं दीज आर एक्चुअली मैसिव। मतलब इसकी प्रोफाइल की बात करूँ तो 255 R19 राइट नाउ दैट इज़ ग्रेट। डिस्क ब्रेक जो है वो आपको चारों के चारों चक्कों में है जो वो देखने को मिल जाता है। अगेन बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, सो वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स सेगमेंट। फिलहाल अगर आपको ये गाड़ी लेने का मन है, कलकत्ता में रहते हो तो ऑटो हाईटेक सदर्न एवेन्यू में शोरूम है, यहाँ पे आप आ सकते हो। मेरा जो कॉन्टैक्ट है संतोष, उसका नंबर मैं आपको स्क्रीन के सामने दे दे रहा हूँ, उससे आ जाओ बात कर लो, बेस्ट रेट बेस्ट टाइम पे आपको गाड़ी डेफिनेटली दिला देगा। रिक्वेस्ट सेंसर की बात करें तो यहाँ पर हमें डोर जो है वो क्रोम में देखने को मिल जाता है विथ रिक्वेस्ट सेंसर ओवर हियर। यहाँ पर हमें जो है ORVM देखने को मिल जाता है। Now this is your black storm edition, तो यहाँ पे ये red inserts जो हैं वो एक नया addition कार में ले आके इन्होंने थोड़ा तो इसका look definitely बदला है। piano black में आपके ORVMs है। Once again sorry about the background noise guys, मैं थोड़ा mic लाना भूल गया तो मुझे माफ कीजिएगा, but again talking about the इंडिकेटर्स तो वो हमें मिल जाते हैं यहीं पर इंटीग्रेटेड विथ योर 360 degree कैमरा, ऑल्सो इंटीग्रेटेड इन योर ORVMs। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इन्होंने यहाँ पर जो क्रोम का यूज़ किया है डोर हैंडल में वो अच्छा लग रहा है। हावेवर यहाँ पर इन्होंने जो पियानो ब्लैक छोड़ दिया है, इसको अगर ये रेड कर देते, जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन अलोंग विद दिस, तो ये काफ़ी अच्छा और भी ज़्यादा प्रेजेंस इसका निकल के आता है। एंड अगेन दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन। यहाँ पर फुल्ली LED टेक यहाँ पर भी बैजिंग हमें देखने को मिल जाती है, विच अगेन इज़ ग्रेट। बात करें तो को ड्राइवर साइड में भी हमें रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। LED फुल LED इसके टेल लैम्प जो है वो देखने को मिलते हैं, बट हेलोजन में हमें टर्न इंडिकेटर्स देखने को आ जाते हैं।
फोर व्हील ड्राइव एडास के संग में हमें यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है ग्लॉस्टर की, बड़ी सी बैजिंग जो ब्लैक में है, अच्छी खासी कैमोफ्लोज हो जा रही है, दिखने में भी सही से नहीं आ रही है, बट हाँ ये है ग्लॉस्टर जो आपको साइज ही बता देगा। इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग यहाँ पे, ऑटो हाईटेक की बैजिंग यहाँ पर एमजी की बड़ी सी बैजिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वॉशर विथ योर वाइपर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आओ चलो देखते हैं इसको, शायद से इलेक्ट्रिक टेल गेट फंक्शन तो मिलना ही चाहिए, जो बिल्कुल मिलता है यहाँ पर, बड़े फास्ट इसका टेल गेट भी जो रिलीज हो जा रहा है, यहीं पर ही आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट बंद करने का फंक्शन जो है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ टूल रखने की जगह है और इसका स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ पे नीचे में दे दिया गया है। बात करें अगर सीट्स की तो ये पूरी की पूरी जो है ये फोल्ड हो जाती है, 60-40 स्प्लिट में आपको ये सीट्स जो है वो देखने को मिल जाती है, विच इज़ ग्रेट, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस निकल के आता है, विच इज़ फैंटास्टिक। पीछे के लिए दो पैसेंजर्स के लिए हमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल जाती है, कुछ लाइटिंग्स है वो भी देखने को मिल जाती है। चले इसे बंद किया जाए, बड़े मस्त बंद भी हो गया। आओ चलो चलते हैं इसके पीछे वाले सीट पर और देखते हैं क्या कंफर्ट ऑफर करती है। भाई देखो गाड़ी इतनी ऊंची है, राइट, आई मीन ऑफ कोर्स इसका एक और देखा जाए तो कंपेटिटर है, बट वो उसको बोल नहीं सकते यार, बिकॉज फॉर्चुनर चीज़ अलग है, बट चलो है चीज़ यार, बनाई है ठीक, बट देखो सॉफ्ट टच एंड एवरीथिंग इज़ गुड, बट ये और थोड़ा मजबूत होता ना मुझे तो और मज़ा आता। देखो एवरीथिंग इज़ सॉफ्ट टच, प्रीमियमनेस के मामले में MG बिल्कुल पीछे नहीं होती है, दो चीज़ें प्रीमियमनेस, फिट एंड फिनिश, ये दोनों चीज़ें में MG बिल्कुल सही काम करती है। बड़ा स्टर्डी सा यहाँ पर हमें ग्रैब हैंडल जो है वो देखने को मिलता है, जो गाड़ी में चढ़ना बहुत आराम है। और भाई साहब क्या कुशनिंग दी गई है सीट्स को, लेदराइट है या लेदर है मुझे ये कंफर्म करके मैं आपके स्क्रीन के सामने दे दूंगा, बट डोर थर्ड ओके था, बहुत ग्रेट भी नहीं, खराब नहीं था, बट ग्रेट मुझे नहीं लगा, इससे ज़्यादा बढ़िया डोर थर्ड में एक्सपेक्ट कर रहा था। तीनों के तीनों पैसेंजर्स को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती हैं और 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती हैं, मिडिल आर्मरेस्ट विथ ट्विन कप होल्डर जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एसी के वेंट्स जो है वो प्लेस किए गए हैं, यहाँ पर कुछ इल्यूमिनेशन हैंडल एंड सम हुक, बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ विच इज एक्चुअली मैसिव मैन, दिस इज रियली गुड। सेफ्टी की बात किया जाए तो स्टैंडर्ड सेफ्टी नॉर्म्स में यार 6 एयरबैग्स या कुछ एयरबैग्स आपके स्क्रीन के सामने मैं दे रहा हूँ, ABS, EBD एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब स्टैंडर्ड है, बट ADAS लेवल 2 आने का मतलब ही द कार इटसेल्फ बिकम्स सेफ, सेफ्टी रिच। ऑलराइट, यहाँ पर नॉट ओनली डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, बट यहाँ पर पीछे के लिए भी अलग सा क्लाइमेट कंट्रोल का जोन दिया गया है, विच इज फैंटास्टिक इन माई ओपिनियन। सेंटर हम की बात करें गाइस, तो डिसेंट सा सेंटर हम पे, उतना कुछ बड़ा नहीं है, 3 लोग आराम से इस कार में बिल्कुल बैठ सकते हैं, लंबे सफर के लिए आराम से जा सकते हैं। एडजस्टेबल जो अपनी सीट बेल्ट्स हैं वो सामने वाले को मिल जाती हैं। गाड़ी में बहुत रूमीनेस, मैन आई मीन लाइक द बट द हेडरूम एंड एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, काफ़ी रूमी गाड़ी है। ब्लैक आपको इंटीरियर्स मिल रहे हैं, बट वाइट में आपको जो केबिन जो है उसके कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो रूमीनेस बहुत ज़्यादा है, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा इस कार में। यहाँ से कुछ इसका सामने का डैशबोर्ड का लुक आता है, मिनिमलिस्टिक है, सिंपलिस्टिक है। सो चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कम्फर्ट के मामले में हमें क्या ऑफर करता है। ओ भाई ऊंची तो है भैया, ऊंची तो है, चलो आओ इसे खोला जाए। अगेन एवरीथिंग इज सॉफ्ट टच, सो दैट इज़ नॉट रियली अ प्रॉब्लम। यहाँ पर आपका जो फ्यूल लिड ओपनिंग का बटन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, कुछ और स्पेसिंग दी गई है बॉटल्स एंड अदर चीज़ें रखने के लिए। 2-way मेमोरी फंक्शन सीट्स आती हैं, वेंटिलेटेड हैं दोनों के दोनों सामने के, कूल्ड ओनली। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं, कुछ स्किड प्लेट्स मिल जाती है दोनों साइड में, विच अगेन इज फैंटास्टिक। यहाँ पर लॉक अनलॉक चाइल्ड लॉक और चारों के चारों ऑटो अप एंड वन टच अप एंड डाउन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। चलो आओ ड्राइवर साइड में चले, और यार यहाँ पे एंटर करना तो लाजवाब था। चलो देखें, दो थर्ड भी जैसे मैंने बोला कि इट्स गुड नॉट ग्रेट। Alright, first things first, what I like is the seat cushioning, what I don't like is the thigh support. I mean, look at this, I expected a better thigh support, but let's see, चलो गाड़ी को जो है हम एक बार ऑन करते हैं। इसमें उल्टा फंक्शन है गाइज, इसमें यह इन्फोटेनमेंट के सिस्टम राइट में और बाकी सब फंक्शन जो है वो लेफ्ट में है, ये हमेशा मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ। चलो एनीवेज इसको ज़रा हम ब्लोअर स्पीड को कम कर दें, वरना अपनी जो ऑडियो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। दोनों के दोनों मस्त फटाफट ये ऊपर चले गए, थोड़ा एसी को ऑन किया जाए, वरना गाइज मेरे को लगता है मेरी सांसें जो है वो निकल जाने वाली हैं। है भाई, चलो यहाँ पर थोड़ा ब्लोअर स्पीड को 2 पे डालते हैं। ऑलराइट, चलो सबसे पहले देखा जाए कि कितना मस्त है इसका इलेक्ट्रिक
सीट्स, इलेक्ट्रिक सीट का रिस्पॉन्स मस्त है, मैं थोड़ा इसको पीछे कर ले रहा हूँ सो दैट अच्छे से मैं कैप्चर कर पाऊँ। रियली डिसअपॉइंटेड विद द थाई सपोर्ट गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो इसमें थाई सपोर्ट एडजस्टिंग के लिए मुझे ये दिया गया है यहाँ पर, बट रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। चलो यहाँ पे एक डेडिकेटेड डेड पेडल दिया गया है, यहाँ पर डी कट में हमें स्टेयरिंग मिल जाती है, यहाँ पर कुछ फंक्शंस है जो रीसेट करने के लिए ट्रिप को वो मिल जाते हैं, पूरी की पूरी डिजिटल MID जो है वो देखने को मिल जाती है, कुछ 12 इंच, सॉरी मैंने 10 कहा था बट 12 इंच का हमें यहाँ पर जो है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। चलो इसको थोड़ा सा हम प्ले अराउंड करते हैं, ज्यादा तो नहीं बिकॉज वीडियो को छोटा रखना चाहता हूं आपके लिए। सो यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है जहां से आप जहां पर भी हो ये प्रेस करने से होम पे आ जाते हो। इसके लिए डेडिकेटेड मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना इफ यू रियली वॉन्ट दैट वीडियो, डिपेंड्स अ लॉट ऑन वॉट यू वॉन्ट। यहां पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे फंक्शन है गाइज, मोर में अगर मैं जाऊं तो टच रिस्पॉन्स सो फार इज गुड, अगर सेटिंग्स में भी जाऊं मैं तो थोड़ा लैगी है, लैगी इन द सेंस थोड़ा डिले इन रिस्पॉन्स है, to be honest it's not as fluidic to my likings because I've seen other infotainment systems and they are really really fluidic. Chalo dekhte hain ki yahan par reach and height dono ke dono adjustable steering jo hai wo provide ki gayi hai and obviously a car of this price I would really expect them to give me that. Yahan par कुछ 12 वॉट का सॉकेट जो है वो देखने को मिल जाता है जिसमें लाइटर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर टाइप ए का हमें ये देखने को मिल जाता है, आर्मरेस्ट के नीचे हमें डिसेंट सी जो है वो स्टोरेज स्पेस जो है वो ऑफर जो है वो हो जाती है विच इज गुड। सेंट्रल कंसोल इज ब्यूटिफुल गाइज, आई पर्सनली लाइक इट बिकॉज इट्स नॉट ओनली मिनिमलिस्टिक बट इट्स क्वाइट प्रीमियम, फिट एंड फिनिश अगेन इज जस्ट फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज प्रीमियम, सॉफ्ट टच विच इज अगेन ग्रेट इन my books, Aces, ट्विन कप होल्डर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ ADAS के functions जो है वो देखने को मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट के function यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, अलग अलग ड्राइविंग मोड्स के बटन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। चलो भैया यहाँ पर अगर नजर डालें जस्ट टू टॉगल अराउंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हमें फ्यूल एफिशियंसी का इंडिकेटर मिल जाता है एंड यू नो देर आर मेनी अदर थिंग्स, आई विल गेट अ डेडिकेटेड यू नो वीडियो फॉर दैट, I would really hope you comment on my video so that I get that video for you. Again, यहाँ पर हमें vanity mirrors, driver and co-driver side दोनों मिलती है with some illumination which is great. यहाँ पर और हमें illumination का option मिल जाता है, panoramic sunroof का यहाँ पर हमें controls मिल जाता है which again is good. Auto dimming IRVMs which again is a plus. चलो quickly चलते हैं, देखते हैं कि इसके engine में हमें क्या है और कितना भारी इसका engine है। यहाँ पर हमें कुछ headlight के functions और ORVM के फंक्शन जो है वो यहां पर प्लेस्ड है, सो ऑल गुड। वायरलेस चार्जिंग पैड मुझे नहीं दिखाया गाइस, आई थिंक दैट्स अ बिग बिग मिस इन दिस कार। चलो चलते हैं अंदर में देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेट्स सी व्हाट अंडर द हुड। सो गुड थिंग इज हमें हाइड्रोलिक जो है वहां पे सस्पेंशन मिल गए हैं हुड खोलने के लिए, और यहाँ पे ये जो ट्विन टर्बो इंजन जो है इसकी स्पेसिफिकेशंस आपकी स्क्रीन में मैं दे दे रहा हूँ कुछ, ये जब इस गाड़ी को चलाएंगे तब हम बताएंगे। तो इसका भी जो ड्राइव टेस्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है, सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसा मैं कहता हूँ नोटिफिकेशन दबा दो सो दैट वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। फिलहाल वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, आई होप आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू ऑल।